हाय नमस्कार दोस्त, मैं हूँ नीतीश। आप देख रहे हैं नीतीश टेक ग्राफिक। आज हम देखेंगे कि सर्वर प्रीप कैसे किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो एक पीडीएफ फाइल हम लाते हैं और नेविगेटर में रीप करते हैं। प्लेट बनने के लिए जाने से पहले हम उसको रीप करते हैं, तो किस तरीक़े से रीप करते हैं वो सब आज हम देखेंगे। तो डॉट, यहाँ पर हम डॉट लेंगे 133, क्योंकि 8 पेपर है तो इसके लिए हम 133 दे रहे हैं। तो देखते हैं, अब हम इसको रोम करेंगे। यहाँ पर रोम में जाएंगे, फिर रोम नाउ करेंगे। अब देख लेते हैं ब्लैक, ब्लैक को देख लेते हैं। इसी तरीके से आप जितना भी इसमें कलर, सियान, मजेंटा, येल्लो, ब्लैक, सभी को आप डबल क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ, यहाँ पर नीचे में आपको दिखा रहा है ऑन ऑफ का, वो दिखाएगा। या तो आप यहाँ पर से नीचे ऑन ऑफ करके भी एकाएकी जा कर देख सकते हैं, मगर हम वहाँ पर ना जाकर के इसी पे ब्लैक जो लिखा हुआ उसी पे हम डबल क्लिक कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा है। उससे पता चल जा रहा है कि ब्लैक ब्लैक में है, क्योंकि ब्लैक कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैक चारों कलर में आता है, इसलिए हम सिर्फ ब्लैक ब्लैक को ही देख रहे हैं। सभी कलर को आप देख सकते हैं, मगर हम फिलहाल सिर्फ ज़्यादा हम ब्लैक पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक बार और हम लाए थे जो कि ब्लैक में ही था, तो फिर हम उसको फिर से इसको रिप्लेस करके ब्लैक कलर को फिर से हम लाए हैं। इसी तरीके से मैजेंटा, सियान, येल्लो, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं एक नज़र। बस कुछ नहीं, बस वही देखते हैं खास कर कि ब्लैक सिर्फ ब्लैक में ही हो, क्योंकि अगर ब्लैक का जिसे मैटर रहता है वो ब्लैक का टेक्स्ट रहता है वो छोटा रहता है, तो क्योंकि वो मशीन पे मिलाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए ब्लैक सेपरेशन हो, इसीलिए हम ब्लैक को खासकर ध्यान देते हैं। उसी तरीका से सब पेज को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पेज लेंगे, रोम करेंगे, रोम नाउ करेंगे, यहाँ पर ब्लैक को देख लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, फिर रोम करेंगे, फिर रोम नाउ करेंगे, फिर यहाँ पर भी जाएंगे ब्लैक को देखेंगे उसी तरीक़े से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फ़ोटो का यूज किया गया है तो इसी कारण से, तो ज़्यादा डर है कि वहीं की फ़ोटो वगैरह क्यों भाग न जाए, बस वहीं कुछ है और कुछ है नहीं, इसीलिए इसमें ज़्यादा सभी को लगभग लगभग को चेक कर रहे हैं मोटी मोटी, क्योंकि एक नज़र देख लेने से होता क्या है कि अगर कहीं पर कुछ भागता है, कुछ वैसा कुछ नज़र आ जाता है कि हाँ कुछ भाग रहा है, कुछ इस तरीका का है, तो उसको फिर से हम कोरल में ही जा कर के उसको हम फिर से क्या बोलता है उसको सही करके उसको फिर से हम पीएस बना सकते हैं या उसको हम पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको पुराना मेरा एक इसी का किताब का आगे का पेज का बना हुआ था, उसको हम लेआउट सेट करके रखा हुआ, वो लेआउट अब हम निकालते हैं, उसी पे हम इसको फिर से डाल देंगे। तो शायद पहले का 8 पेज का होगा, तो देखते हैं कौन सा डेट में है, नहीं है उसको खोज करके निकालते हैं, उसी पे हम डालते हैं, क्योंकि उसमें 8 पेज का ही है, तो ये 20 पेज का है, तो हम उसको पेज उज बढ़ाएंगे, तो वो आप एक नज़र देख लीजिए किस तरीके से करते हैं। तो टाइम मिलेगा तो हम सर्वर पे स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि नेविगेटर को पूरी तरीक़े से समझाना हमको है, और पोस्ट्रिप को समझाना है, और हार्वर को समझाना है, किसका कहाँ पाथ रहता है, किस तरीक़े से कब कहाँ यूज होता है, कब कैसे फॉर्मा बनाया जाता है, टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है, तो वो करते हैं। तो अभी हम एडिट में गए, इसको ऑल रिमूव कर दिए थे, यहाँ से रिमूव भी करेंगे, ओके कर दिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पर से जा करके एक नज़र पेज साइज वगैरह देख लिए, यहाँ पेज साइज है 11.2 है, NSSAT है, यहाँ पर सेंटर साइड का यहाँ पर से आप देख सकते हैं, यहाँ प्लेट है जो कि प्लेट आप चूज कर सकते हैं, डोमिनेंट प्लेट ऑलरेडी इसमें है, तो डोमिनेंट प्लेट का ही बाय डिफॉल्ट सब सेट करके हम रखे हुए हैं। यहाँ पर जितना पेज है वो पेज हम डालेंगे, तो मेरा पेज शायद 20 पेज है, हाँ 20 पेज ही होगा, क्योंकि 8 पेज का ये है, 20 पेज का मेरा अभी फिलहाल बना रहे हैं। तो अब हम 20 पेज का इसको टेम्पलेट को हम नंबरिंग वगैरह देंगे, तो 8 × 16 तो सीधा सीधी रह जाएगा, फिर एक मेरा चरपेजी बनेगा, तो चरपेजी को ही हम तीसरा नंबर पर जा करके फिर हम उसको किस तरीक़े से रिमूव करते हैं, नंबर डालते हैं, तो वो सब देख लेते हैं। तो हम इसको अब हम जाएंगे एडिट में, पहले हम यहाँ पर रेड वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर जाएंगे
क्रॉप करेंगे, ओके कर देंगे, फिर एडिट में जाएंगे, फिर सेट पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 17, 18, 19 और 20 ये पेज नंबरिंग दे दिए। पेज नंबरिंग देने के बाद अब हम बाहर चलावेंगे, फिर एक नज़र एक बार ऊपर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि इससे होता क्या कि अगर आप पेज नंबर अगर पेज बात में 11x8 ठीक है, अगर बात में पेज साइज आप बढ़ा रहे हैं 11.2 कर रहे हैं तो वो एक साइड भाग जाता है। तो उसके लिए हम ऊपर नीचे इसको टॉप बटन मिला लेते हैं, क्योंकि वो सेंटर में रहे, ठीक है। ये पेज का ये बीच में जगह दिया हुआ, क्योंकि कटिंग उटिंग के लिए, बाइंडिंग के लिए वो परफेक्ट रहे, ठीक है। तो हम इसमें पहले एक बार देख लेते हैं किस तरीका से, अगर पूरा पास हो जाता है उसके बाद हम इसमें ला करके बाय डिफ़ॉल्ट इसमें छोड़ेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। तो हम पहले एक नज़र देख लेंगे कि क्या है नहीं है। तो हम स्पेशलिस्ट हम इस पे सर्वर पे हम वीडियो लाएंगे, जिसमें हम आपको नेविगेटर को लेंगे, फिर पोस्ट्रिप को लेंगे, एक में हार्बर को लेंगे, क्योंकि ये सब में बहुत सारा चीज़ है जो कि समझाने के लिए है, क्योंकि ये हम जो कि एक जॉब था उसी में देखे कि इसको उठा लेते हैं। तो ठीक है, तो फिलहाल हम जॉब पास हो गया, अब हम ले रहे हैं। तो इसके नाम से, पार्टी के नाम से हम सर्च करते हैं, यहाँ जो भी रहेगा वो यहाँ पर रहता, यहीं पास होकर के यहीं आ जाता है, मतलब नेविगेटर से जब वो पास होता है यानी गिरता है, उसके बाद ये यहाँ पर फोल्डर मतलब कि फाइल बन करके यहाँ रहता है। अब हम यहाँ से इसको उठाएंगे, मतलब कि इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करके अब हम इसको इस पर ड्रॉप कर देंगे। बस पेज नंबर एक से उठा करके ड्रॉप किए, वो बाय डिफ़ॉल्ट सारा पेज ले लिया, क्योंकि एक से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, फिर 8, 9 से 16 उसमें हो गया, फिर 17 से 20 उसमें हो गया, तो वो सब बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। क्योंकि ये कोरल में भी आप कर सकते हैं, मगर कोरल से अच्छा होता है कि यहाँ करने में, क्योंकि यहाँ टाइम आपको बचता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा लंबा जैसे ये 200 पेज का ये मैगजीन है, तो इसमें आप जैसे मतलब होता क्या कि कोरल में करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है, और बार बार एक ही काम को करने में थोड़ा एथी भी लगता है, इसीलिए सर्वर रहने से थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि जो भी आपका 8.5x11 रहता है वो उसमें ले लेते हैं। ये आपको जॉब वहाँ से छूट गया, अब हम यहाँ हार्बर में इसको प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं कि कहीं कुछ भागा होगा तो नहीं है। अब पेज नंबरिंग वगैरह मिला लेंगे मोटा मोटी। तो ये हार्बर में आपको मतलब सर्वर पर ऐसा होता है कि ये आपको प्रीव्यू ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि ये इसी तरीका से किरकिरा दिखाएगा। तो हर बार में मोटा मोटी देखने के लिए ये इसको हम रोक करके इसको देख लेते हैं कि हाँ क्या कुछ भागा हुआ नहीं है, क्योंकि जब ये मशीन पे जाएगा CTCP पे या कोई भी हो, मतलब अगर ये यहाँ पर दिखाएगा ही दिखाएगा बाय डिफ़ॉल्ट CTCP हो CTP हो किसी का भी हो, ये हार्बर में आपको किरकिरा दिखाता है, मगर एक्सपोजिंग के लिए जाएगा तो वहाँ पर परफेक्ट रहता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको हम यहाँ पर मोटा मोटी सिर्फ देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम पास कर देंगे, मतलब यहाँ से छोड़ देंगे, वो ऑटोमेटिक वो फोल्डर मतलब कि इसका एक पाथ बना हुआ है जिसमें गिर जाएगा, फिर हम वहाँ से उठा करके उसको मशीन पर चढ़ा देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरीका के आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार।